टूपी नगर निकाय चुनाव में मेयर और पार्षद पद के उम्मीदवारों के नामों को लेकर बीजेपी का मंथन पूरा हो गया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि जल्द बीजेपी प्रत्याशियों की किसी भी वक्त लिस्ट जारी हो सकती है। टिकट को लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मंथन का दौर चला और पार्टी हाईकमान के निर्देश मिलते ही सूची जारी कर दी जाएगी। यूपी में नगर निकाय का चुनावी शंखनाद हो चुका है और प्रदेश के सभी सियासी दलों ने चुनाव के लिए कमर कस ली है। इसी कड़ी में बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के लिए मंथन तेज कर दिया है। लखनऊ से दिल्ली तक बैठकों का दौर चला। शुक्रवार को लखनऊ में मैराथन बैठक के बाद शनिवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली पहुंचे। उनके साथ संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी दिल्ली पहुंचे। दोनों ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की। संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी किसी भी वक्त प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। जानकारी के मुताबिक लंबे समय से पहले चरण के दावेदारों के नाम पर मंथन हुआ। तीन तीन नामों के पैनल पर स्क्रीनिंग कमेटी ने मंथन किया, जिस पर शनिवार को आलाकमान की अंतिम मुहर लग गई। अब बस नामों का ऐलान होना बाकी है। सूत्रों के मुताबिक मेयर और नगर पालिका अध्यक्ष के नाम पर चर्चा करते वक्त जातीय समीकरण का भी खास ध्यान रखा गया है। शुक्रवार को कोर कमेटी की बैठक से पहले बीजेपी मुख्यालय पर दिन भर मंथन चलता रहा। इसमें क्षेत्रीय अध्यक्षों से पूछा गया कि कौन कितना पुराना कार्यकर्ता है, उसका क्षेत्र में कितना प्रभाव है, उसका अपने क्षेत्र के बीजेपी पदाधिकारियों से संपर्क और संवाद कितना है। इसके बाद में फाइनल लिस्ट तैयार की गई, जिसे कोर कमेटी की बैठक में लाया गया। निकाय चुनाव को बीजेपी लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल मानकर चल रही है। ऐसे में पार्टी ने निकाय की जंग जीतने के लिए खास व्यू रचना तैयार की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बीजेपी मिशन निकाय में जुटी हुई है, इसके लिए महाप्लान बीजेपी ने तैयार किया। दरअसल उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप की तैयारी में बीजेपी सभी 17 की 17 नगर निकाय पर कम से कम नगर निगम पर कब्जा करना चाहते हैं। मेयर के सीट के जीत के तौर पर संगठन से सरकार तक ने पूरी ताकत झोंक रखी है। सीएम योगी ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। सभी नगर निगमों में रोड शो और जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। डिप्टी सीएम और मंत्री भी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मोबाइल ऐप संग घर घर दस्तक देगी बीजेपी, इसकी तैयारी की गई है। हर बूथ मजबूत बनाने की रणनीति पर भी बीजेपी काम कर रही है। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ने पर पहले से ही फोकस है बीजेपी। क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों पर भी ध्यान दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। डबल इंजन सरकार के कामों का प्रचार प्रसार हो रहा है और कहा जा रहा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार जब काम करेगी, यानी कि नगर निकायों में भी बीजेपी की सरकार होगी, तो और बेहतर तरीके से काम हो पाएगा। ग्राउंड लेवल पर काम का दायरा बढ़ाने पर मंथन किया गया है। व्यू रचना के लिए लगातार बीजेपी में बैठकों का दौर चलता रहा और ये बैठकों का दौर अब भी एक तरीके से जारी है।